दोस्तों आज हम स्वॉलोड स्टार की न्यू एपिसोड 79 के ट्रेलर को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस वजह से आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हमारा ट्रेलर स्टार्ट होता ही हम सबसे पहले देखते हैं लुआ फैंग को, जो कि बड़े ही तेजी से साउथ ईस्टर्न मिलिट्री बेस की तरफ बढ़ रहा होता है, जिसके साथ ही लुआ फैंग अपनी मन ही मन सोचता है कि मैं बस पहुंचने ही वाला हूं, लेकिन मुझे और भी ज्यादा तेजी से जाना होगा, क्योंकि इसलिए वह सभी मॉन्स्टर बेस सिटी के अंदर जाकर दबाई करना शुरू कर देते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं सिटीजन में रहे बहुत सारे लोग मारे जा सकते हैं। और यह कहते ही लुआ फैंग अपनी स्पीड को और ज्यादा बढ़ाते हुए तेजी से आगे बढ़ने लगता है। और इसकी दूसरी तरफ हम काफी ज्यादा सोल्जर्स को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा बिस्ट से फाइट कर रहे होते हैं। वैसे उनके भी यही कोशिश होती है कि वो उन सभी बिस्ट को सिटी से बाहर ही रखें, ताकि सिटीजन को कोई भी नुकसान ना हो। वही दूसरी तरफ हम मार्शल हाल मास्टर को देखते हैं, जो इन सब की हेल्प कर रहे होते हैं, और साथ ही वो भी काफी ज्यादा बिस्ट को मार भी रहे होते हैं। और उसी के साथ ही हम देखते हैं इतनी ज्यादा बिस्ट को मारने की वजह से वो थोड़ा सा थक जाते हैं, और इसी के साथ ही अपनी मन सोचते हैं कि हम सभी ने तो मिलकर इन सभी बिस्ट को रोक पा रहे हैं, लेकिन अगर गोल्डन हॉर्न बीस्ट इस बार यहाँ पर आएगा तब हम क्या करेंगे। इसलिए हमें उसे रोकने का कोई ना कोई तरीका सोचना ही होगा, क्योंकि हमें इन सभी मॉन्स्टर की वजह से और भी ज्यादा नुकसान हो सकता है। आगे कहते हैं कि हम छोटे मोटे बिस्ट को रोकने में कामयाब होते आ रहे हैं, लेकिन गोल्डन हॉर्न बीस्ट काफी ज्यादा दबाई मचाता जा रहा है और उनको रोकना काफी ज्यादा मुश्किल है। और इसके अगले सीन में हम एक प्राइम मिनिस्टर के वॉइस को सुनते हैं, जो कि हर एक सिटीजन से कह रहे होते हैं कि हमें इस क्रिटिकल सिचुएशन में अपनी उन सोल्जर के लिए प्रे करनी चाहिए, जो कि सिटी के बाहर उन सभी बिस्ट को रोकने में कामयाब हो रहे हैं और साथ ही उन मॉन्स्टर से फाइट भी कर रहे हैं। और जिसके साथ ही आगे कहते हैं कि हमें उन सोल्जर्स के लिए प्रे करनी चाहिए जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं किए हमारी हिफाजत की है, अब वो हमारे साथ नहीं है, इसलिए हम सबको मिलकर उन सभी के लिए प्रे करनी चाहिए। और तभी यह सीन यहीं पर कट हो जाता है और इसके अगले सीन में हम गोल्डन हॉर्न बीस्ट को देखते हैं, जो कि बाहर आ चुका था, और हम देखते हैं वो डायरेक्ट मार्शल हॉल पर अटैक कर दिया होता है। वही उसके अंदर हम मास्टर होंग और लिसियान को बैठे हुए कल्टीवेशन करते हुए दिखाते हैं, और तभी हमें एक नैरेटिव आवाज सुनाई देती है। अब मास्टर होंग और लिसियान एक बड़ी सी मुश्किल में फंस चुके हैं, और अभी के लिए ये कंफर्म नहीं है कि वहाँ पर मास्टर होंग और लिसियान कल्टीवेशन कर रहे हैं या फिर नहीं, और गोल्डन बिस्ट ने वहाँ पर अटैक किया है या फिर नहीं किया है। और यह सीन भी यहीं पर कट हो जाता है और इसके अगले सीन में हमें कैप्टन को दिखाते हैं, जो कि अपनी मिलिट्री बेस में बैठकर सभी मॉन्स्टर पर नजर रख रहे होते हैं। तभी कैप्टन कहते हैं कि अगर हम एक भी किंग लेवल की मास्टर को मारने में कामयाब हो जाते हैं तो उसका मतलब ये है कि हम 10,000 जिंदगी को बचा लिया और काफी ज्यादा बेस सिटी को दबा होने से बचा लिया। और उसी के साथ ही कैप्टन लुओ फैंग से कहते हैं कि लुओ फैंग हम सब की उम्मीद सिर्फ तुम पर ही है। इसके बाद हम देखते हैं कि लुओ फैंग जैसे ही उन सभी किंग लेवल की मॉन्स्टर के सामने पहुंच जाता है तो उसी के साथ ही कहता है अब तुम सब लोग मरने वाले हो। और यह कहते ही वो अपनी हेवनली शील्ड और स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और साथ ही उन सभी मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है, और वो इतनी तेजी से अटैक करता है जिससे एक किंग लेवल की मॉन्स्टर वहीं पर मारा जाता है। और इतना कहते ही हमारा ट्रेलर यहीं पर कंप्लीट हो जाती है। यदि अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।